नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के प्रति एक बार फिर दिखाया प्रेम, करोड़ों की योजनाओं का करेंगे आज शुभारंभ। आज बिहार में 294 करोड़ रुपए की योजनाओं की प्रधानमंत्री मोदी देंगे सौगात। कृषि, पशुपालन, मत्स्य विभाग से जुड़ी योजनाओं के शुभारंभ की करेंगे घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तेज की तैयारी। 11 सितंबर को बिहार आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बेरोजगारी के समर्थन में तेजस्वी तेज प्रताप और राबड़ी देवी ने जलाया लालटेन। नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। भाजपा नेता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा बिहार को लालटेन युग में धकेलना चाहते हैं तेजस्वी यादव। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा तेजस्वी यादव कॉपी करने में माहिर, लेकिन कॉपी करने से सफलता नहीं मिलने वाली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रमोद तिवारी ने वर्तमान सरकार पर लगाया आरोप, कहा बिहार को 15 वर्षों में कुछ नहीं मिला। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेता सदानंद सिंह का तल्ख हुआ तेवर, कहा मेरी बातों पर नहीं हो रही है सुनवाई। राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के एम्स में हुए भर्ती। कुछ माह पहले कोरोना की चपेट में आए थे रघुवंश प्रसाद, पटना एम्स में कोरोना को दी थी मात, स्वस्थ होकर लौटे थे घर। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनकॉन परमिशन मॉड्यूल का होगा प्रयोग। चुनाव नियंत्रण करने की सबसे आधुनिक प्रक्रिया है एनकॉन परमिशन मॉड्यूल। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की नहीं चलेगी मनमानी। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए समय और स्थान के लिए आयोग से लेनी होगी अनुमति। एनकॉर परमिशन मॉड्यूल से प्रत्याशियों पर आयोग की रहेगी नजर। राज्य के सभी बूथों की जानकारी भी होगी उपलब्ध। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का बयान, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली में विपक्ष के सभी सवालों का दिया जवाब। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा में घर जाने वालों को नहीं होगी परेशानी। ट्रेनों की संख्या बढ़ाने में जुटा रेलवे विभाग। बिहार में अब महिला शिक्षा सेविका को 26 सप्ताह का मिलेगा मातृत्व अवकाश, तो वहीं पुरुषों को 15 दिन का मिलेगा अवकाश। बिहार में कोरोना के सक्रिय केस में हुई भारी गिरावट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आंकड़े। जारी आंकड़े के अनुसार राज्य में 152,077 सक्रिय मामले आए सामने, जिसमें 136,039 मरीज ठीक होने की हुई पुष्टि। विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा पटना में मिले कोरोना के सक्रिय मरीज, जिसमें सबसे ज्यादा मौत पटना में ही हुई। दूसरे नंबर पर भागलपुर, जहां 6,373 मिले कोरोना के मरीज, तो 68 लोगों ने गंवाई कोरोना से जान। गोड्डा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के निशाने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को माता पिता से राजनीति के गुर सीखने की दी सलाह। 3 दिवसीय दौरे पर आए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे दूसरे दिन पीरपैती में कार्यकर्ताओं के साथ किया जनसंवाद। भागलपुर इशाकचक थाना क्षेत्र खाली बंद पड़े मकान में चोरों ने की सफाई। जमीन कारोबारी अभिषेक उर्फ विक्की के घर से लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। पुलिस जिला नवगछिया में ट्रक चालकों को नशीली दवा खिलाकर लूटने वाला नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार। 12 सितंबर से भागलपुर से चलने वाली ट्रेनों के लिए टिकट की बिक्री हुई शुरू। टिकट काउंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो जरूर करें।